पठन पाठन क्लास 8 गणित वेस्ट बंगाल बोर्ड। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो में हम प्रयोग करके देखें 1.2 का पेज नंबर 13 से सवाल नंबर 11 उत्पादक विश्लेषण करें का हल करेंगे। उत्पादक विश्लेषण में हमें ऐसे गुणन खंड में बदलना पड़ता है, गुणन खंड में बदलना पड़ता है। जो पहला सवाल है इसको हम गुणन खंड में बदलेंगे। 225 एम स्क्वायर माइनस 100 एन स्क्वायर, दोनों में कॉमन कुछ जाएगा तो कॉमन ले लेते हैं। पहले कॉमन इसमें 25 जाएगा, इसमें भी 25 जाएगा, तो 25 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा इधर 9 एम स्क्वायर, 25 में 225 होता है माइनस ए, यहाँ बचेगा 25 से 100 एन स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारा वही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे हम गुणनखंड में बदला जा सकता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आपका गुणनखंड बदल गया। तो इसको हम उसी फार्मूला के हिसाब से बनाएंगे। 9m मतलब 3m का स्क्वायर, इसको थर्ड ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर 25, इसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, ये आपका गुणनखंड आ गया। देखो सब गुणनखंड में आ गया, इसी को हम उत्पादक विश्लेषण बोलते हैं। अब बनाएंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है 25x² माइनस 1/9 y² z² 25x² माइनस 1/9 y² z, चलिए इसको बनाते हैं। तो 25 का इस तरह 5, x² 1/9 को 1/3, yz का स्क्वायर एक बार जोड़ो एक बार घटाओ 5x प्लस 1/3 yz, और एक बार घटाना है 5x माइनस 1/3 yz, बन गया दूसरा सवाल। अब आ जाते हैं तीसरा में। तीसरा सवाल है 7ax² प्लस 14ax प्लस 7a, इसको उतार लेते हैं। 7ax² प्लस 14ax प्लस 7a, यहाँ कॉमन किया जा रहा है 7a, इसमें भी 7 मिल जाएगा, इसमें भी 7 मिल जाएगा, साथ में a भी मिल जाएगा, तो 7a कॉमन चला जाएगा। यहाँ क्या बचेगा x², यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हमें, प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपको यहाँ मिल रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 7ax प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस ए दो बार, एक्स प्लस वन, ये हमारा गुणनखंड हो गया। चलिए आते हैं अब चौथा नंबर सवाल है 3x का पावर 4 माइनस 6x² ए स्क्वायर माइनस प्लस 3a का पावर 4, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जैसा पहले बना हुआ है, इसको भी हम उतार लेते हैं। 3x का पावर 4 माइनस 6x² ए स्क्वायर प्लस 3a पावर 4, यहाँ पर भी कॉमन जा रहा है 3, 3 को बाहर निकाल देते हैं, x का पावर 4 यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ ए का पावर 4, फिर 3x को हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो हम बीच में क्या बचा 2x² ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 3x² माइनस ए स्क्वायर और x² माइनस ए स्क्वायर दो बार, फिर ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, इधर लिख सकते हैं एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए,
प्लस वालों को एक साथ कर देंगे, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। अब बनाएंगे पाँच नंबर, पाँच नंबर सवाल है, इसको उतार लेते हैं। पाँच नंबर है फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। पाँच नंबर तो फोर इसको बना सकते हैं टू बी सी का होल स्क्वायर और ए बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया, तो इसको लिख सकते हैं एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, जोड़ो एक बार घटाओ, घटाओ करेंगे तो ए माइनस, ए प्लस, ए बी माइनस, और ए माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब देखो बी सी के साथ टू बी सी, बी सी के साथ टू बी सी, इसको एक साथ हम सजा देंगे फार्मूला के हिसाब से, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस टू बी सी प्लस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहला बन गया। दूसरा इसको सजाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस में है और माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फार्मूला बन जा रहा है, तो इसको लिख देते हैं पहले बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट। इधर क्या बच रहा है, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस को हम आगे कर लेते हैं सुविधा के हिसाब से, प्लस को आगे कर लिए और ये माइनस कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस टू बी सी ए प्लस सी स्क्वायर, इधर क्या बना तो आगे पीछे हो गया, यहाँ बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर एक बार जोड़ो घटाव कर सकते हैं, तो इसको पहले कर लेते हैं उसके बाद जोड़ो घटाव करेंगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं माइनस ए स्क्वायर थर्ड ब्रैकेट, इधर बचा ए स्क्वायर, ए बन जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर वही फार्मूला आया एक बार जोड़ो घटाओ, तो एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, इसका भी एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, घटाएंगे तो बी माइनस में और सी प्लस में आ जाएगा। आपको ये बन गया, यहाँ पर रख सकते हैं या फिर इसको ए प्लस बी प्लस सी से सजा सकते हैं, ए को पहले बाकी सब। ठीक, बनाएंगे हम छः नंबर सवाल। छः नंबर सवाल है 64ax स्क्वायर माइनस 49a x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये रहा आपका सवाल 64ax स्क्वायर माइनस 49a x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a दोनों में है तो a को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचा 64ax स्क्वायर, यहाँ बचा 49x माइनस 2y का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएंगे थर्ड ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट में। अब आया ए, 64 को हम लिख सकते हैं 8x का होल स्क्वायर माइनस 49 को लिख सकते हैं 7x माइनस 2y का होल स्क्वायर, यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट की जगह और एक ब्रैकेट बढ़ा देते हैं। अब बचा स्क्वायर ए बी स्क्वायर, एक बार जोड़ो स्क्वायर, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो जोड़ो घटाओ 8x जोड़ 7x माइनस 2y, थर्ड ब्रैकेट ले देते हैं और एक बार घटाओ 8x माइनस 7x माइनस 2y, ए अब 7 से गुना कर देंगे प्लस 7x माइनस 14y, 8x माइनस गुना करेंगे माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14y, ये 8 7 जुट जाएगा, 8 7 होता है 15x माइनस 14y और यहाँ 8x से 7x कट जाएगा तो बचेगा x प्लस 14y। अगले वीडियो में हम
प्रश्न संख्या 7 को बनाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पाठ के सारे सवालों का हल मिल जाएगा। धन्यवाद।